सही 11 बजे से बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुद्दे को लेकर के है कि जो बिल कल परसों 20 जुलाई को पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब देने के लिए लिस्ट हुआ है, हम चाहते हैं कि उसे ड्राप कर दिया जाए क्योंकि वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो रिकमेंडेशन जीडी शर्मा साहब के कमीशन ने की हुई है वो वाइस है, बिल्कुल यानी इलीगल है वो। और वो इसलिए क्योंकि जीडी शर्मा साहब खुद एक गदा ब्राह्मण है और गदा ब्राह्मण को भी उन्होंने रिकमेंड किया है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए, और जो बड़ी हायर क्लासेस हैं उनकी भी रिकमेंडेशन की गई है जो डिज़र्व नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, इन्हें शेड्यूल ट्राइब की जो बेसिक रिक्विजिट्स हैं उन्हें वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसलिए उस बिल को रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नेचुरली पहले भी इस सरकार के बहुत से डिसीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज है, और इसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे क्योंकि पहले से ही हमारी बात वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकला के साथ हो चुकी है, हमारी एक टीम वहाँ बैठी हुई है जो वकला के साथ ये बात कर रही है, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करके पहले स्टे करवा देंगे फिर इसको क्वाश करवा देंगे। दूसरा, और कोई शेड्यूल कास्ट में कोई ऐसी इंक्लूजन की बात की गई है जो इलीगल है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी तरह ओबीसी में भी इस किस्म के लोगों को, और ये कर क्यों रहे हैं ये सरकार जो है ये लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। जैसे मणिपुर के अंदर आपने देखा मणिपुर में क्या हालात हुए, लाखों लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं, मारे गए हैं, तो इस किस्म के हालात यानी चुनाव के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए ये कोई सेहतमंद इशारे नहीं है, ये कोई सेहतमंद निशान नहीं है। सरकार को इस किस्म की पॉलिसी को ड्राप करना चाहिए और लोगों के वेलफेयर की जो बात है वो करनी चाहिए। यही मैं अब बसोत्रा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, और बहुत बहुत स्वागत है मीडिया का एक बार फिर से। साथियों, अभी हाल ही में पीछे भी सेशन में कोशिश हुई थी, भाजपा सरकार ने एक बिल लाने की कोशिश की थी जो जीडी शर्मा कमीशन, हमारे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर है, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं जिसमें पहाड़ी स्पीकिंग और कुछ ऐसे लोगों को एसटी में इंक्लूड करने की बात कही गई है जो डिज़र्व नहीं करते हैं, लीगली डिज़र्व नहीं करते हैं, जो रिक्विजिट को क्वालिफाई नहीं करते हैं, जैसे मेरे फाजल दोस्त अभी बता रहे थे। इसी तरह कुछ कास्ट को एससी में इंक्लूड करने की बात भी उस बिल में आ रही है जो डिज़र्व नहीं करते हैं। इसी तरह ओबीसी में कुछ ऐसे वर्गों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ये कोई कास्ट नहीं है, हम सब जानते हैं, उनको इंक्लूड करने की बात की गई है, और कुछ अपर कास्ट लोगों को इंक्लूड करने की बात की गई है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, और हम मोदी सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि हम लीगल रिकोर्स भी लेंगे अगर ऐसा हुआ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। हम पिछली बार भी उतरे थे, बड़े बड़े जलसे जुलूस रैलियां हमें निकालनी पड़ी थी और हमने किया था, और लोगों में जब जागरूकता आई तो इन्होंने उस बिल को वापस ले लिया था। अब फिर उस बिल को ये लेकर आए हैं, लिहाजा अगर इसको ये कंटिन्यू करते हैं, इसको अगर ये पार्लियामेंट में रखते हैं और पास करवाने की कोशिश करते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ऑल रिजर्व कैटेगरीज की, ये जॉइंट एक्शन कमेटी पूरी तरह से इसका विरोध भी करेगी, लीगल रिकोर्स भी लेगी, सड़कों पे भी उतरेगी, और ये इंश्योर करेगी कि इस तरह की हरकत जो है उनकी सफल ना हो, और ज़रूरत पड़ी तो आने वाली इलेक्शन में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मणिपुर में यही साजिश भाजपा ने रची, और आप देखिए जैसे मेरे फाजिल दोस्त बता रहे थे, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों मर चुके हैं, पूरा मणिपुर जल रहा है। मुझे लगता है भाजपा की यहाँ भी ये साजिश है कि जम्मू कश्मीर में या तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो या भारत पाकिस्तान जैसा कोई नरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि 24 में इनको इलेक्शन में फ़ायदा हो। मगर मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वो नहीं रहा जो आज से 10-15 साल पहले था, अब उनको समझ आ चुकी है, इनके नरेटिव को हम समझने लगे हैं, इनको शिकस्त खानी पड़ जाएगी इलेक्शन में अगर इन्होंने इस तरह के हरबे भरते, तो ये हम उनको वाजे तौर पर बता देना चाहते हैं।